रुक रुक के ना देख, 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 रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। सांसद आजम खान की पत्नी तंजन फातिमा रामपुर से उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी बनाई गई हैं। पत्नी को जिताने के लिए आजम खान रैलियों में जनता से भावुक अपील करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को विपक्ष की चाल बताया और कहा कि वो खुद को बेच नहीं सके, इसलिए उन पर कई केस दर्ज हुए हैं। क्या हो रहा है हमारे साथ और क्या हो रहा है, इसलिए कि हम आपका सोना नहीं बेच सके, आपको बेच नहीं सके, अपने आप को नहीं बेच सके। इस दौरान उन्होंने अपने पूरे परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी मां पर मुकदमा कायम है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी 75-77 साल की बहन जो 7 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, उनका हाथ पकड़कर घसीटते हुए थाने ले गए। इसी में उन्होंने अपने भाई और अपने बेटे अब्दुल्ला पर भी दर्ज मुकदमों का जिक्र किया। हमारी मां पर मुकदमा कायम है, हमारी 75-77 साल की बहन जो 7 वक्त की नमाज पढ़ती है, बेवा जो इश्तेमा कराती है अपने घर में, जो नमाज की कि जानवाज से उठकर खाने की तरफ जा रही थी, उसका हाथ पकड़ सीट के लिए ले गए। शेम शेम शेम। मेरा बुजुर्ग भाई जो 5वें वक्त मोहल्ले की मस्जिद में तन्हा नमाज पढ़ने जाते हैं फजर में अकेले, 307 का मुकदमा, मैं और मेरा अब्दुल्ला अलाहाबाद में है, हम पर 307 का मुकदमा। ये गैरत हमें लेकर डूब गई दोस्तों के कब में हमारे साथ के ये इल्जाम दी जाएगा कि हमने मुर्गियां चुराई थी, हमने बकरियां चुराई थी। अल्लाह तूने हमें उस दिन मौत क्यों नहीं देती जिस दिन हमने कोई ऐसा काम किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी तंजन फातिमा उनका जिक्र करते हुए कहा कि उनकी बीवी जो प्रोफेसर से रिटायर हुई हैं, जिन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, वो एक भैंस चोर हैं। जो प्रोफेसर से रिटायर हुई है जिसने हजारों बच्चे और बच्चियां पढ़ाई हैं, ये भैंस चोर है। क्या हो रहा है हमारे साथ और क्या हो रहा है, इसलिए कि हम आपका सोना नहीं बेच सके, आपको बेच नहीं सके, अपने आप को नहीं बेच सके। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।